यार एक पण न्यूज नाही का काय नाही, वरतून तो बॉस शिट. अरे एक नंबरचा खडूस आहे यार कोरोनामुळे ना. कोरोना कोरोना करून 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 हालत खराब झालेली आहे. घरातून बाहेर निघला कोरोना, इकडून बाहेर निघला कोरोना, आणि न्यूज एवढीशी पण न्यूज नाही भेटते. तिकडे गटर फुटला ते पण नाही सांगतात की गटर फुटला म्हणून, ती पण न्यूज नाही भेटते. अरे ते सोड, तुला माहितीये मम्मी आणि पप्पा तर मला घराच्या बाहेर पण नाही निघून देत. करोना करोना करोना, हे लाव ते लाव, हे कर ते कर. शांत बस, बॉस येऊन जाणार. शांत बस बाबा, जाऊ दे रे, सोड रे त्याचा. मी नाही ऐकत बसत, जास्त काय बोलायला लागला ना तर मग समजून जा, मी तर जाणार नाही. खरंच बॉस यार, कुछ बॉस बहुत खड़ूस है यार. क्या अपने को कुछ मैंने तो बगित बगित है. क्या हंसी मजाक चल रहा है तुम लोग का? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर. ऐसी काम छोड़ के मस्ती? नहीं सर, ऐसी बातें कुछ टीआरपी नहीं, कुछ नहीं. ऐसे न्यूज चला रहे हो, ऐसे न्यूज चलाओगे तुम लोग? सॉरी, कब से मैं छुप के वहाँ से देख रहा था. हंसी मजाक मस्ती बस यही चलता है तुम लोगों का. सॉरी सर, सॉरी. काम को लेकर थोड़ा सीरियस बनो, टाइम को वैल्यू दो, काम को भी महत्व दो. सॉरी सर, सॉरी. समझे? मैं सब कुछ देख रहा था. वो कर्नल देखो कितना टीआरपी कमा रहा है. मैं कब से देख रहा हूँ तुम लोगों का नाटक. यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हो क्या? टाइम पास कर रहे हो? गर्लफ्रेंड? हाँ सर, ये सब कुछ नहीं है. सब कुछ नहीं है मुझे पता, पर मैं सब देख रहा था, नोटिस भी कर रहा था. आइंदा से अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को फायर कर दूंगा. सर हम लोग काम के ही बारे में बातें कर रहे थे, गर्लफ्रेंड में. सर मुझे मैं देख रहा था. सर, अगर काम के पर्पस से बात कर रहे थे तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? कर्नल के जैसे क्यों नहीं हो रहे हो? मेरे फ्रेंड है और हम काम के बारे में ही बात कर रहे थे. कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा है. कोरोना वायरस कितना चालू है सर? कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए. आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मैं फायर. काम पे ध्यान दो, आइंदा ऐसी नहीं होनी चाहिए. चलो यार, कुछ कॉफी वगैरह पी के आते, दिमाग खराब हो गया. चलो यार, चलो चलो चलो. टॉर्चर 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 अभी मुझे नहीं होता यार. चलो. चैन से सोना है तो जाग जाओ. इंडिया एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है. आज हमारे यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट, जिनके नाम से पूरी दुनिया थरथर कांपती है. आप उनका नाम सुन के आप डर जाएंगे, भाग जाएंगे. पूरी दुनिया उनसे खौफ से परेशान है. बच्चे से लेके बूढ़े से लेके हर उम्र के बच्चे उनसे डरे हुए. लॉकडाउन के अंदर सब लोग उनसे डरे हुए थे. और इंडिया के पूरे वर्ल्ड की पहली हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा आतंकवादी हमारे स्टूडियो में इंटरव्यू दे रहा है. हम लोग तो भी पसीना फूट रहा है. हम लोग भी बहुत डर रहे हैं उनसे, क्योंकि उनका कोई नाम भी नहीं ले सकता है. और पहली बार, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े आतंकवादी, वो नायक नहीं, खलनायक नहीं, वो आतंकवादी है. उन्होंने इतने सारे जान ली है, इतने जान ली है कि उनकी लाश तक उनकी फैमिली देखने पाई. आज उन्होंने बहुत सारी जाने ली है, अनगिनत जाने उन्होंने लिए. जिनकी जान ली उनकी डेड बॉडी भी देखने नहीं मिली. तो जिंदगी में अपने पूरे जितने भी मीडिया है, सबसे पहली बार अपनी टीवी पे आ रहे हैं, वो सस्पेंस है. मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा. तो हमारी संवाददाता भूमि जी और हमारे कैमरामैन राहुल जी आपको बताएंगे. हम जा रहे हैं हमारे स्टेज पे. हाय, मैं भूमि. आज मुझे भी बहुत डर लग रहा है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ. सुनो ना, सैनिटाइजर करो प्लीज. आज सो सॉरी, बट आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ सबसे डेंजरस एक वायरस जो आया हुआ है अपने इंडिया में. इंडिया में नहीं, मीन्स ऑलमोस्ट सब जगह पे. मैं आपको उनसे मिलाने जा रही हूँ. तो देखो आप, मैं किससे मिलाने जा रही हूँ? इनडायरेक्टली करोना वायरस. ओके मेरा जी, मैं आपको मिलाने जा रही हूँ करोना वायरस से. मास्क मास्क
जी सर, आपके साथ में कौन से लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा? हिंदी, इंग्लिश, मराठी या चाइना? आप मुझसे किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं देश विदेश हर जगह घुमा हूँ, हर जगह मैं हर लैंग्वेज में जिसके शरीर में प्रवेश करता हूँ उसकी भाषा बोल लेता हूँ मैं। वैसे आप बोलो तो मराठी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, इंग्लिश बोलूंगा, जैपनीज बोलूंगा। आप किस लैंग्वेज में मुझसे बात करना चाहते हैं? कि मेरा कोई ईमान धर्म नहीं, मैं कहीं से भी चले जाता हूँ, किसकी भी आंग में चले जाता हूँ। तो आप इंडिया में कैसे आए हो? अरे सावन महीना तुला प्यार करना वे तुझे मुला प्यार करना है। सर आप ये क्या कर रहे हो? कैसा है मेरी मैडम जी, मैं ये बॉडी से वो बॉडी से ये बॉडी, बॉडी पे बॉडी, बॉडी बॉडी करते करते मैं पहुंच गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास मैं पहुंच गया खानदेश। खानदेश मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ के काफ़ी अच्छे लोग हैं, सभ्यता वाले लोग हैं। पर वहाँ पे मैंने देखा टिकटॉक पे देखा एक मिलियन तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने करोड़ों लोगों की जान ले ली, तो मुझे मिलियन नहीं समझ में आता, मैं तो करोड़, अब्जो बहुत सारा मैंने कितने लोगों की जान ले ली। पर वहाँ पे मुझे दिखा, एक गाना सुना मैंने, वो गाना था खानदेश का, सावन महीना में तुला प्यार करना है। तो बोला ते बहुत आवड़ला, ऐसे ही बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं वो सिंगर से एक बार ज़रूर मिलना चाहता हूँ और उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ, मगर वो मुझसे नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है, मगर सिर्फ मुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। सर आपसे कौन मिलेगा, आप मुझे बताइए, हमें बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ पे मिलने के लिए आपको, तो आप हमें बताइए, आप तो खलनायक हो। एक मिनट मैडम, आपकी दुनिया में आप नायक, मैं खलनायक, मेरी दुनिया में मैं नायक, आप खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। एक मिनट सर, आपने ये कहाँ से सीखा सर? अरे मैडम, देश विदेश घूम के, हर जगह घूम के, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड, सब जगह घूमने के बाद हर जगह की, हर दिशा की एक्टिंग हमें आ गई है। इसके सच्चे दर्द, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। आमिर खान, ओ आइला आइला, शाहरुख खान, ए माँ देख माँ तेरे शाहरुख खान, ना माँ ए माँ, सलमान, अरे कहती हो तुम। ये सारी चीज़ें घूमने के बाद हमें सारी एक्टिंग आ गई और हमने सीखे, कलाकार हो गए बेकार हम। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, पहले आपका फेस का कलर डल था, मीन्स लाइट था, अभी बहुत डार्क हो गया, तो ये क्यों और कैसे? आपने लगाया सैनिटाइजर, मेरा दिल गया वेंटिलेटर, सैनिटाइजर हुआ तू, मेरे चेहरे पे आया नूर। सर प्लीज आप मेरी बात सुनो, आप अभी कब जाओगे यहाँ इंडिया से? प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, आपका यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। आपको नहीं पता आपके इंडिया ने मेरा कितना स्वागत किया, कितना वेलकम किया, स्वैग से स्वागत किया मेरा। मैं हर देश गया, वहाँ मुझे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्यार दिया है इंडिया ने। किसी ने बोला दिया जलाओ तो दिया जलाया,
किसी ने बोला मोमबत्ती जलाओ तो मोमबत्ती जलाया, किसी ने बोला थाली तो किसी ने थाली बजाया, किसी ने बोला ताली तो किसी ने ताली बजाया। हर जगह से मेरा स्वागत किया गया है और मुझे इस तरीके से मान सम्मान दिया गया है आप इंडिया वालों ने। मुझे एक गाना याद आ रहा है, जी हाँ मैं गाना गाना चाहता हूँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, टाटा 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 टाटा, इतना मेरा स्वागत है तो मैं इंडिया से क्यों जाऊं। दिया जलाने से मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखा। जब उन्होंने थाली बजाई तो मैं बहरा हो गया। सब लोगों ने मेरे पे कुछ 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 जिसको जो समझ में आया जोक बनाया हुआ, सबने बोला सुनो 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 सुनो, मगर क्या सुनो, किसी ने नहीं सुना। लोगों ने मेरा बहुत सारा फायदा उठाया और गरीब बेचारे और मरते गए। अमीरों को कोरोना नहीं हुआ, गरीब ही गरीब मरता गया, उसका क्या। आप लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठाया, इसीलिए मैं यहां से नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम्हारे साथ। मित्रों 500 रुपया फाइन लगेगा, मास्क लगा लो मित्रों, भाइयों बहनों। अरे क्या सर 500, मैडम 2 मिनट रुको, क्या सर 500 का फाइन लेगा, फाइन लेगा, फाइन लेगा। इतने दिन इधर 8 महीने से भूखे पेट हम लोग जी रहे, इधर उधर घूम रहे, एंटी मूवीज पे खर्चा नहीं आ रहा है, क्या सर ये कोरोना कोरोना जाओ आपके देश में, यहाँ पे मत आओ, हमारे भारत को खराब मत करो, इधर से पैसा पास होगा उधर से पैसा पास होगा, ये करेंगे वो करेंगे, क्या किया क्या किया, कुछ नहीं किया। और आप बोलते 500 रुपया फाइन, गाड़ी पे चले तो उसको 500 रुपया फाइन, इधर चले तो उसको 500 रुपया फाइन, क्या ये पैसा पास हुआ हमको मिला अकाउंट में, दिखाओ अकाउंट में, खाली अकाउंट में कुछ नहीं मिला। बोलते बैंक में, बैंक ये अकाउंट खुलाओ वो अकाउंट खुलाओ, कुछ नहीं मिला। और आप बोलते 500 रुपया फाइन। अरे क्या यार वो तो छोड़ दो, गरीब लोगों को राशन भी नहीं मिला है पता है, अब भीख मांगने के लिए लोग बाहर खड़े रहते थे, जो गरीब लोग रहते हैं पुल के नीचे, उनको भी मार मार के हकाल दिया है, आपको पता है, उनको पहनने के लिए मास्क भी नहीं दिए सरकार ने। और बोलते कि 500 रुपया फाइन भरो, जो भैया लोग है ना यूपी से आते हैं इधर काम करने के लिए, उनको पैदल पैदल घुमाया यूपी तक जाने के लिए, हमको एक रुपया नहीं दिया। आप बोलते हो हमारे बॉस बोले टीआरपी दो, टीआरपी कहाँ से न्यूज लाएंगे हम, बात करके इस देश में आके आपने ने इतना तहलका मचा दिया है, आपने अच्छा तो कुछ नहीं किया है, जो अच्छे अच्छे घर के लोग थे, जो गरीब लोग थे उनके भी घर वालों को लेके आप चले गए ना, उनका कितनी शादी रुकी, कितने माँ बाप, इधर बाप गुजरा ना गुजरात में समझो बाप गुजरा, तो इधर से महाराष्ट्र में जाने के लिए ट्रेन बंद, लोकल बंद, और गुजरात में एक पता है न्यूज आई थी, एक बंदे को इतना मारा था ना उसको फिर से वापस आना पड़ा था महाराष्ट्र के बॉर्डर से, क्यों आना पड़ा था कोरोना, इसलिए क्या है कोरोना, जीना हराम कर दिया है, जीना हराम। और आपको पता है एक बहुत जरूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ मैं, जो गरीब बच्चे लोग जो भीख मांगते थे उनको माँ नहीं बाप नहीं, और तड़पते तड़पते वो मर चुके हैं, हाँ एक वड़ा पाव नहीं दुकान के ऊपर मिलता था, आपको कैसे समझाए, आप इस देश में आके ना पूरी बर्बादी कर दिए, किसी का अच्छा नहीं किया है आपने, तो इसीलिए आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अगर आपको इस देश को बचाना है तो आप में अगर इतनी सी भी इंसानियत होगी ना तो आप यहाँ पे नहीं रहना प्लीज। देश के चौथे शेर हो ना, जाके उन लोगों से मालूम करो जाके, जिन लोगों ने मेरे नाम पे दाम कमाए, जिन लोगों ने मेरे नाम पे सारी चीजें कराए, उनसे जाके पूछो कितना घोटाला हुआ देश में, कितना गरीब मरा है। तुम लोग मुझे ब्लेम कर रहे हो, मुझे ब्लेम कर रहे हो तुम लोग जानते नहीं हो तुम लोग ने क्या किया, कोरोना किसने पैदा किया, तुमने पैदा किया, तुमने किया सब सारी चीजें। इतनी अच्छी पृथ्वी थी, पोल्यूशन से आपने पूरी वाट लगा दी, इसलिए मैं आया हूं। आप लोगों ने झाड़ काटे, उस झाड़ पे कितने पक्षी रहते थे, तितली रहती थी, चिड़िया रहती थी, उन सबकी पूरी फैमिली रहती थी, उनकी भी कोई माँ होती थी, उनकी भी कोई बहन होती थी, उनका भी कोई मासूम बच्चा होता था। आप लोगों ने उनका घर बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया, और अपने शेल्फिश अपने मजे के लिए आपने बनाया घर, आपने बनाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनके बारे में कभी सोचा, इसलिए मैं आया हूं आपके पास। आपने बनाए कंक्रीट के रास्ते बनाए आपने, उसमें आपने ली कार, एक फैमिली में एक कार बस हो जाती है, पर आपने एक फैमिली में 4 कार 10 कार 15 कार, उससे हुआ पोल्यूशन, पोल्यूशन होने से इतनी प्यारी संसार दुनिया
सब पोल्यूशन से खराब हो गई। इतनी खूबसूरत पृथ्वी थी, झाड़ पहाड़ ठंडी गर्मी सब मौसम आपके पास है, आपने उसको पूरा खराब कर दिया, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। जरा सोचिए, इतनी प्यारी नदियाँ थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, आपने पहाड़ खोदा, आपने दरिया में से रेती निकाली, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों को खाने के लिए कितनी प्यारी प्यारी नियामत ऊपर वाले ने अता फरमाया, कितनी सारी चीजें हैं, वेज है, नॉन वेज है, फ्रूट है, सब्जी है, तरह तरह की चीजें हैं, फिर भी आप लोगों ने वो चीजें की खाने की सोचा जो आपकी लाइफ से एकदम बिल्कुल दूर है, दूर दूर तक उनका आपकी लाइफ से कोई वास्ता नहीं है, जैसे कि सांप, चमगादड़, ऐसी ऐसी चीजें जिसका नाम लेना भी हमारे को अजीब सा लगता है। तो किस तरीके से आप लोगों ने सोच लिया उस चीज को खाने के लिए? आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, अगर आपको कोई चोट भी मारता है या आपका कोई मर्डर करता है तो आप उसे 302 लगा देते हैं, और जो बेजुमा जानवर जिसके लिए कोई न्याय नहीं बना है, कुछ भी नहीं है, आप उसे काट के खाते हो। खाने के लिए कुछ चीजें हैं नॉनवेज की, ऐसी बात नहीं है, जो चीजें नहीं है उनको खाने से क्या मिलता है? जानवरता, इंसानियत, बहुत दूर, इंसानियत तो बहुत दूर है ये सब चीजों से, मगर ये सब चीजें खाने से क्या आपको लगता है कि आपके अंदर इंसानियत आएंगी, मानवता आएंगी, बिंग ह्यूमन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपने ये सब चीजें खा के आपने मुझे दावत दी है, आपने मुझे बुलाया। ये जो पृथ्वी है, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, तो इसमें क्या सिर्फ जिसके पास जबान है जो बोल सकता है उनको ही जीने का हक है? जो बोल नहीं सकता है, जो कुछ नहीं कर सकता है, उनके पास हाथ नहीं है, क्या उनको जीने का हक नहीं है? कभी सोचा आपने उन लोगों के बारे में जिनके पास, जिनकी फरियाद सिर्फ ऊपर वाला सुनता है? याद रखना मेरे दोस्त, जिनकी फरियाद ऊपर वाला सुनता है वो सुनता जरूर है। आपकी नजर में मैं बुरा हूँ, मैं खलनायक हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ और आप अच्छे, पर कभी आपने ये सोचा है कि ये सब मैंने सीखा किससे? मैंने आपसे सीखा, मैंने जो कि बेशुमार जानवर को, मुख्य जानवर को आप तकलीफ पहुंचाते हैं, तो जानवर कौन हुआ, खलनायक कौन हुआ, मैं या आप? मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने एक चीज़ तो देखी होगी टीवी न्यूज़ चैनल पे, एक बेजुबान, मैं जानवर नहीं कहूँगा, एक बेजुबान माँ अपने बच्चे के लिए खाने के लिए कहाँ गई थी? इंसानों के पास गई थी, आप लोगों के पास गई थी ना, वो क्या खाने की थी, आपसे क्या मंगा था उसने? कुछ खाना, पर आप लोगों ने क्या किया उनके साथ? उनको बम खिलाया, उनको क्या क्या खिलाया वो तो ऊपर वाला जानता है और आप जानते हैं, पर आप सिर्फ जानते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि किसी बेजुबान जानवर को आपने क्या खिलाया। ये जानवर नाम उनका है, मगर जानवरता तो मैंने आपसे सीखी है। ये जो जानवरता होती है, ये जो हैवानियत होती है, मैंने आपसे सीखी है। नाम जानवर, काम तुम्हारा, नाम जानवर, काम तुम्हारा। क्या कभी सोचा आपने, जिस पेट में बच्चा था वो पेट हथनी का था, हथनी माँ थी, और एक माँ का दर्द क्या आप जान सकते हो? पेट के अंदर बम फूटा तो किस तरीके से उसका एहसास हुआ होगा, उस बच्चे को क्या हुआ रहेगा? माँ चाहती तो पूरा गांव उजाड़ देती थी वहां पे, पूरा गांव उजाड़ देती थी, मगर उस हथनी ने इंसानियत बताई। उस माँ को क्या एहसास हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा, जो कि वो चाहती तो पूरा गांव तबाह कर देती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शांत हो गई, नदी के बीच नदी में खड़ी थी और उन्होंने जल समाधि दी। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। कभी आपने सोचा कि मैं कोरोना इंसानों को क्यों होता हूँ, जानवरों को क्यों नहीं होता है? ये सोचने की बात है, ज़रा सोच के बताइए मुझे। बस हो गया, जितना बोलना था मैंने बोल दिया। आप मुझे वायरस समझो, खलनायक समझो, जो भी समझो, ये जो बोलना था मैंने बोल दिया जाते, मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे आने से पहले मेरे भाई बहन भी यहाँ पे आके गए। क्या आपके बहन और भाई वो सब यहाँ पे आके गए? जी हाँ, हमारी भी फैमिली होती है, आप लाते हैं उन्हें? कौन सी फैमिली? HIV, कैंसर,
टीवी, डेंगू, तरह तरह की बीमारी है, जितनी गिना उतनी कम है, लाया सिर्फ आप लोगों ने है। जब जब इंसानों ने धरती पे कहर डाला है, नई नई बीमारियों ने जन्म लिया है, जैसे मैंने लिया। मैं इस दुनिया से नहीं जाने वाला हूँ। पोलियो की बीमारी गई, कैंसर की गई, टीवी की गई, तो मैं क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। तुम कितनी भी दवाइयां बना लो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ, अच्छे कर्म करो, जियो और जीने दो। मुझे चाइना ने बनाया, मुझे जापान ने बनाया, मुझे किसने बनाया ये मत सोचो। ये सोचो कि तुम्हारे गलत कर्मों का नतीजा हूं मैं। आप लोग आपस में लड़ना बंद करो। इंडिया पाकिस्तान दुनियादारी करना छोड़ दो। आप लोग आपस में प्यार करो। ये मेरे आखिरी अल्फाज है आप लोगों से। मरने के बाद इंसान क्या ले जाता है? दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, वो चीज़ें ही लोगों को याद रहती हैं। आपके सिर्फ अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे, आपकी बुरी चीज़ें सिर्फ यहाँ दोहराई जाएंगी, पर आपकी अच्छी चीज़ हमेशा याद की जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, प्लीज़ आप ये सब छोड़ दो और अच्छे से जिए, जियो और जीने दो और सबको प्यार बांटो। स्टूडियो किधर सो रहे हो? स्टूडियो न्यूज रिपोर्टर का स्टूडियो, वो आएंगे तो बोलेंगे। क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आया। अरे प्लीज उठो, जल्दी उठ जाओ मैडम, वो सर आएंगे तो चिल्लाएंगे आपको। मैम प्लीज जल्दी उठ जाओ। अरे यहाँ पे तो कोरोना था ना? मैडम क्या बोल रहे हो? कोरोना कोरोना बीमारी है वो। अरे यहाँ पे तो अपना शो चालू था ना यार, तुम भी तो मेरे साथ में थे। अरे मैडम मैं अभी बाहर से कॉफी पी के आ रहा हूँ। अरे यार मैं सच बोल रही हूँ। नहीं मैम, वो एक छोटी सी बीमारी है कोरोना, इतनी सी दिखती भी नहीं है, वो हवा में किधर घूम रही थी पता नहीं। आप क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ? उठ जाओ जल्दी, नहीं तो सर आके चिल्लाएंगे सुनकर भी और मेरे को भी। तुम्हारी वजह से मेरे को भी बोलना आना पड़ेगा। जल्दी उठ जाओ मैडम। यार वो कह रहे थे हम बुरे हैं या वो बुरे हैं, पर लेकिन सच में इंसान ही बुरे हैं। वो सही कह रहे थे। सच कह रही हूँ, इंसान बहुत बुरी चीज है, बहुत मतलब शिट।